हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्प्रे गन लेके आया हूँ जिसे आप वुड पॉलिश के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर किसी भी तरह का पेंटिंग वर्क करना है जहाँ पर आपको स्प्रे गन की जरूरत पड़ती है ना, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ये वाली जो गन आप देख रहे हो ना उसकी। मैं अभी आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, इसकी प्राइसिंग भी दिखाऊंगा, इसे यूज़ कैसे करते हैं वो भी डिटेल में दिखाऊंगा, और इसको कहते हैं कि मेन पॉइंट क्या होता है, इसका कलर कैसे कंट्रोल होता है, नोजल कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर एयर कंट्रोल क्या होता है, मतलब बेसिक्स जो पेंटिंग की होती है ना वो सारे भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो सबसे पहले ये गन के बारे में, जो बॉक्स के ऊपर इसकी मेन डिटेल लिखी है वो देखते हैं और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों बॉक्स के ऊपर जो लिखा है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कंपनी का ब्रांड है वो दिख जाएगा, अकारी कंपनी की है, और यहाँ पर लिखा है HPLP ट्रेडिशनल स्प्रे गन, और इसका कोड है जो मैं लेके आया हूँ ना वो आप देखो, H8 2 7 करके इसका कोड है, और ये प्रोफेशनल क्वालिटी की स्प्रे गन है। जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि इसके ऊपर आप स्प्रे पेंटिंग कर सकते हो, वुड पॉलिशिंग कर सकते हो, प्यू वगैरह भी इसे आप अच्छे से कर सकते हो, बेहतरीन फिनिश आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इसके जो मेन पॉइंट्स है वो भी दिखाया, जैसे कि HPLP स्प्रे गन का एयर कैप है, ये पैटर्न कंट्रोलर है। पैटर्न कंट्रोलर मीन्स जो स्प्रे की लेंथ है वो कैसे निकलेगी, एक पॉइंट चाहिए या फिर आपको लाइन में चाहिए, वो सब इससे कंट्रोल होगा, ये मैं आपको आगे वो डिटेल में दिखाऊंगा। ये फिर हमारी जो ट्रिगर है मेन पेंट और एयर निकालने के लिए, और लास्ट में यहाँ से पेंट कंट्रोलर है, ये सब लिखा हुआ। और बाकी यहाँ पर इसका जो पार्ट्स है ना वो भी दिखाया हुआ है कि एयर कैप केस्ट कैसा है, ये क्या है वो सब। और मेन पॉइंट जो अभी हम लेके आया ना, उस ब्लू कलर की गन है इसके अंदर, और इसका जो साइज है मतलब जो थिकनेस है ना ये नोजल की, तो वो यहाँ पर टिक किया हुआ है 1.4 mm है, बराबर 1.4 mm के मैं लेके आया हूँ, जिसके कारण हमारा जो आगे काम करेंगे ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके लिए सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं। देखो कुछ इस तरह से हमने पहले ओपन किए तो थोड़ा सा डैमेज भी हमने कर दिया है। इस तरह से ओपन करेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा ये पूरा देखने के लिए। तो सबसे पहला हमें मिलता है इसका प्लास्टिक का कैन। अब ये प्लास्टिक इसीलिए हम चूज करके लाया है, आप चाहो तो मेटल में भी आता है, पर प्लास्टिक में आप किसी भी तरह का पेंट पॉलिश करो तो वो चिपकता नहीं है, और साफ करने के टाइम बिल्कुल इजीली साफ हो जाता है, इसलिए हम ये वाला कैन यूज़ करते हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद ये थोड़े टूल्स मिलते हैं जिसे हम जो हमारी गन है ना उसे टाइट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वो सब के लिए यहाँ पर ये टूल्स मिलते हैं। और उसके बाद गन के अंदर कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ है नहीं, पर ऐसा नहीं है, यहाँ से आप इसे इस तरह से ओपन करोगे ना एक ओपन हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर देखो कितनी अच्छी तरीके से हमारी गन को यहाँ पर रखा जाता है। ये हमारी मेन गन है, और इसके बाद गन के अंदर सिर्फ बचता है इसे जो डॉक्यूमेंट है ना मैनुअल, इसे यूज़ कैसे करना है वो। तो इसे हम साइड में रखते हैं अभी, और गन को मैं दिखाता हूँ किस तरह से। गन कुछ इस तरह से आती है, आप यहाँ पर देखो ये पैकिंग के अंदर हमें ये गन ऐसे दिखेगी, पूरी की पूरी ऐसे दिखेगी। अब ये गन को हम फिट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, रेडी टू आता है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं, बस ये टैंक है ना, टैंक को यहाँ पर इस तरह से ऊपर लगा देना है। मैं देखो आराम से मैं लगा रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं, मत लगाना, एक बार चढ़ जाए फिर आराम से ऐसे कर देना। अब जो हमने ये टूल्स बोले थे ना वो टूल्स कहाँ पर काम आएगा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर से क्या क्या निकलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मेन तौर पर ये सारा सामान निकलता है, ये ब्रश है जो हम गन में साफ करेंगे ना उसके लिए, कई बार कलर में कचरा वगैरह फट जाए हमारे नोजल में तो वहाँ पर इसे हम साफ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा मेन इसका सब जगह पे खोलने के लिए अलग अलग, कहते हैं ना कि ओमनी डायरेक्शन ये पाना है। उसके बाद जो हम एयर की पाइप होती है ना उसके लिए फिट करने के लिए ये वाला हमारा ये नोजल मिलता है, जिससे हम पाइप को अच्छे से टाइट करेगा, एक वाइसर मिलता है, और भी एक टूल मिलता है इसके अंदर है। देखो ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये कलर के अंदर हम डालेंगे, जो टैंक डाला है ना वहाँ पे इस पहले इसे डालना होता है, जिसके कारण हम टैंक में कलर डालें तो कचरा अंदर ना जाए उसके लिए ये वाला होता है, और ये हमारे गन में लगाने के लिए, और एक ये वाला भी होता है। तो ये सब का अभी हमें काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है, क्योंकि ये इससे हम ये जो टैंक है ना इसे टाइट करेंगे। अब यहाँ पर सेट हमें चेक कर लेना है अभी कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर हमारा ये वाला लगेगा, देखो ये वाला ऊपर लग गया। तो अब इसे हमें अच्छे से टाइट कर देना है, टाइट हमने कर दिया, तो अब ऐसे करेगा ना तो खुलेगा नहीं, ये
फिलहाल हमने उतना टाइट नहीं किया था तो खुल गया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। अब देखो अब नॉर्मली करेंगे तो ओपन नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स के बारे में कि आपको जो स्प्रे गन चलाते टाइम पता होना चाहिए। तो मेन ये वाला है, ये हमारा नोजल है जिससे हमारा कलर निकलेगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना वो हमारा ट्रिगर है जिससे दबाने से हमारा कलर और एयर दोनों साथ में निकलेगा। ये वाला पार्ट है उससे हमारा जो इस कहते हैं ना कि जो फ्लो है आगे जो निकलेगा स्ट्रेट लाइन में निकलेगा या फिर लंबी लाइन निकलेगा वो कंट्रोल होगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इससे हमारा टैंक के अंदर से नोजल में कितना कलर जाना चाहिए, कम मात्रा में जाना चाहिए, एयर ज़्यादा जानी चाहिए, उसके लिए ये हमारा पैंट कंट्रोल है। अब बात हुई लास्ट बचा है तो ये हमारा लास्ट में जो पाइप नोजल लगेगी ना उसके नीचे ये एयर कंट्रोलर होता है, यानी कि आपकी जो इसके अंदर जाने वाली एयर है वो कितनी स्पीड में जानी चाहिए, कम एयर जानी चाहिए, ज़्यादा एयर जानी चाहिए, उसके लिए होता है। और यहाँ पे हमारा मेन पाइप लगता है जो एयर की पाइप होती है कॉम्प्रेसर में अटैच करते हो। हाँ दोस्तों, इसके लिए कॉम्प्रेसर चाहिए क्योंकि ये फिनिशिंग वाला काम करता है। और इससे आप ऊपर देख ही सकते हो कि ये हमारा वाइट वाला है वो टैंक है। ये टैंक है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ऊपर पूरा नोजल, और टैंक के ऊपर भी ये आपको दिख रहा है ना ये वाला कैप, ये टैंक में एयर जाने के लिए। अगर एयर टाइट हो गया तो अच्छे से ये कलर हमारा अंदर नहीं आने देगा, इसलिए ये एयर आने देगा। इसके वजह से ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये शायद निकले तो मैं आपको बता दूँ, हाँ ये वाला पार्ट, ये छोटू सा, ये इसके लिए होता है, ये यहाँ पर लगता है कैप के ऊपर। और जो हमारे टैंक है उसकी कैपेसिटी की बात करें तो 600 ml तक इसके अंदर आराम से आ जाएगा आपका पूरा पेंट या फिर जो भी आप पॉलिश करो वो। अब बात रही कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये गन को पाइप के साथ अटैच कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखो, ये गन है उसके अंदर हमें अटैच करना है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ना वहाँ पर, ये पाइप के अंदर हमने पहले से ये सब अटैच करके रखा है क्योंकि ये अभी हमारे पास नहीं है। तो इससे पहले हम पुरानी गन है वो यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं पाइप निकाल के आया हूँ आपको दिखाने के लिए। इसे इसके अंदर हमें अच्छे से बस इसे ऐसे टाइट कर देना होता है। ये आप पाइप पकड़ोगे ना इस तरह से तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना वो घूमेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो या फिर इसे टाइट पकड़ के आप गन को भी पहले ऐसे घुमा सकते हो। अरे घूम जाए उसके बाद पाइप निकल ना आ जाए, इसके लिए ये हमारा जो है ना उसकी मदद से इसे हमें टाइट कर देना है। कितना टाइट करना है तो आपका मतलब हो सके उतना टाइट कर लेना, तो उतना भी मत कर देना कि फिर बाद में कभी निकालना पड़े तो ना निकाल सको। जैसे कि अभी आपको बात करते हुए हमने निकाल दिया, अभी हमारा जो स्प्रे गन है ना वो रेडी है स्प्रे करने के लिए। तो अभी इसके अंदर हम कौन सा कलर डालेंगे, तो ब्लैक कलर डाल के मैं दिखाता हूँ। कोई भी सरफेस है ना उसके ऊपर आपको अच्छे से पता चल जाएगा, या फिर मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा सरफेस है, वाइट है तो ब्लैक डालूंगा, ब्लैक है तो वाइट डालूंगा। तो चलो अभी आपको डायरेक्ट में जो हमारा बोर्ड है ना वहाँ पर लेके जाता हूँ, इसे यूज़ कैसे करना है वो दिखाने के लिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो हमने ब्लैक कलर बना के रेडी कर दिया है। अब बनाने के लिए मैंने इसके अंदर थिनर वगैरह ऐड करके अच्छे से गन में जैसे डाल सके ना वैसे पतला करके रखा है। अब ये टैंक के अंदर हमें ऐसा ही डायरेक्ट कलर नहीं डाल सकते क्योंकि ऐसा करेंगे तो इसके अंदर जो कलर के अंदर कचरा वगैरह होगा ना वो फंस सकता है। इसके लिए हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, आप यहाँ पर देखो कुछ इस तरह, अब इससे बड़ा भी ले सकते हो, मैं इतने में कंफर्टेबल हूँ इसलिए इतना। और इस तरह से जो हमारा कलर है ना उसे छान लेना है। छानने से क्या होता है मैंने आपको वो दिखाई बता दिया ना अभी कि इसके अंदर जो कलर का कचरा है ना वो नोजल के अंदर नहीं जाएगा। अब हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, आपको दिखाने के लिए डाल रहे हैं सिर्फ। तो हमने अभी अब देखो कचरा कितना है, तो इसके अंदर जो बचेगा ना ये दिख रहा है आप, तो एक कचरा होता है इसके वजह से ये होता है। हमने यहाँ पर 100 ml जितना कलर निकाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से ऊपर टाइट कर देंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने इतना कलर भरा है। अब ये कलर को भी हम नीचे रख देते हैं। मेन पॉइंट होता है कि सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा कलर का अच्छे से रेडी या फिर हमारा ट्रिगर में है कि नहीं, और एयर को अच्छे से फिलअप कर देना है। ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्रेसर चालू करो और तुरंत कलर करना स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि कॉम्प्रेसर में एयर कम होगी तो इसकी जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी कम आएगी, आगे से जो पेंट निकलेगा वो दाने दाने होकर निकलेगा। इसलिए हमें कॉम्प्रेसर को यार हमेशा फुल रखनी है और फिर यूज़ करना है। अब उसका जो प्रेशर है उसकी बात करें तो 50-60 हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर आप अच्छे से काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो ट्रिगर है ना वो दबाएंगे तो आगे से कलर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ।
आवाज आई आपको, ये सिर्फ एयर निकली। एयर क्यों निकली? क्योंकि हमने टिगर है उसे हल्का सा ही प्रेस किया, इसलिए जैसे कि अभी मैं फिर के सिर्फ एयर निकली, हमने टिगर कम दबाई इसलिए। अब प्रेशर ज्यादा है हमें पता चल गया, तो नीचे से देखो यहाँ से मैं बंद करा उसे, है ना, ये वाला पार्ट है, यहाँ से मैं इसे इस तरह से कर रहा हूँ, तो इसमें से अब देखो कैसे आवाज़ निकली है ना, पूरा निकलेगा तो कलर निकलेगा, जैसे कि यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ, देखो निकला कलर, अभी पूरा ट्रिगर है हमारा हो गया। और ये राउंड शेप में निकला है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिगर है ना वो इस तरह से टेढ़ा है या ऊपर है। अब ये वाला पार्ट है वो भी हमने लूज करके नहीं रखा, इससे हमारा ये कंट्रोल होता है। जैसे कि अभी देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, सिर्फ ये है ना वो फुल्ली बंद करके रखा है, तो डॉट कैसे आएगा वो देखो, डॉट पड़ा, सिर्फ डॉट राउंड में आया ना। अब ये ट्रिगर को मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको कैसे आएगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है लाइन, ये लाइन किस वजह से आई? क्योंकि ये यहाँ पर टेढ़ा है। अब इसे मैं इसे लूज करके ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दूँ तो कौन सा आएगा आप मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, देखो आप ये वाली लाइन आएगी, है ना। तो इसी तरह से जो इसका ट्रिगर वगैरह होता है ना वो कंट्रोल होता है। अब दोस्तों रेगुलर यूज़ के लिए ये वाले ट्रिगर है ना उसको यहाँ पर रखो, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना 1.4 यहाँ पर लिखा है वो नीचे की तरफ रखना, और इन नोजल को बंद ही रखना हमेशा। ये राउंड वाले शेप में अच्छे से वर्क होगा। तो जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो बोर्ड में हमें कहीं पर स्टार्ट करना है ना, तो एक मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ, हल्के से लाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब ये लाइन को आप समझना कि ये वाली लाइन है ना वो हमारा कोई सरफेस है जहाँ से अंदर की तरफ हमें काम करना है, बाहर तो एयर निकल जाएगी। जैसे कि ये बोर्ड का आपको एजिस दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें हमेशा स्टार्ट कैसे करना है, बाहर की साइड से इसे स्टार्ट करना है, देखो ऐसे, और इस तरह से सीधा लगाते जाना है। अब मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये देखो आप, ऐसे करेंगे तो लाइन वाइज हो रहा है ना। तो इसी तरह से हमें जो हमारा पार्ट होता है या फिर एक गन चलाना होता है वो आपको समझा दिए मैंने। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको समझा दिया कि गन को किस तरह से चलाना होता है। अब इतना ज़्यादा है नहीं, आप सिर्फ ये जो है ना वो ड्रिप ना हो उसके लिए कहीं पे ऐसे रोक के काम नहीं करना है, ऐसे ऐसे करोगे तो वो ड्रिप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हुआ, आपको कंटिन्यूसली हाथ को ऐसे घुमाते रहना है तो वो ड्रिप होगा नहीं, ये आप बात आपको ध्यान में रखनी। और आप मतलब एक दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर भी आप गन चलाना अच्छे से सीख जाओगे। अब इसके बाद बारी होती है कि हमने ये काम कर लिया, कोई बोर्ड पे कलर कर लिया, तो इसे अब साफ कैसे करें, इसे मेंटेन कैसे रखें, क्योंकि ये नहीं करोगे तो ये बिगड़ जाएगी या फिर कलर नोजल में चौकअप हो जाएगा, तो ये हमारा पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए हमें गन को क्लीन भी करना होता है। क्लीन करने का प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जो हमने कलर लिया है या फिर जो बचा है उसे हमें निकाल देना है। यहाँ पर देखो मैंने ये निकाल दिया, निकालने के बाद कोई भी हमें कॉटन का वेस्ट लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ, और गन के अंदर ऐसे साफ कर देना है। अब ये करने से क्या होगा, हमारा एक तो थिनर की बचत हो जाएगी, क्योंकि हम जो डायरेक्ट थिनर डालेंगे तो कलर ज़्यादा फैलेगा, उसके वजह से जो हमारा टैंक है ना वो ज़्यादा बिगड़ेगा। देखो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक आ गया, इसे हमें डस्टबिन में डाल देना है, और फिर से एक साफ कपड़ा लेके फिर से हमें साफ करना है। अब इतना साफ हो जाए उसके बाद हमें इसके अंदर थिनर डालना है। देखो कितना साफ है, तो यहाँ पर देखो आप दिख रहा है ना, इतना साफ हमें पहले ही कर देना है कॉटन की मदद से, उसके बाद ही इसके अंदर हमें थिनर वगैरह डालना है। अब देखो थिनर कितना डालना है, तो उसके लिए आपको 50 ml थिनर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। मैं आपको सबका अंदाजा क्यों दिखा रहा हूँ कि इसका 10 ml, इसका 20 ml, इसका 50 ml, तो इसीलिए कि आप अच्छे से साफ करो, फिर यही कपड़े से आपको गन के अंदर डालना है और इस तरह से अच्छे से सब मिलाना है। अब देखो आपके सामने ही आपको दिख रहा होगा कि टैंक है उसके अंदर से कलर जो हमारा ब्लैक है ना वो पट रहा है और सब नीचे जा रहा है। अब ये सब तो कंप्लीट हो गया, तो ये कपड़े को भी हमें फेंकना है, और अब ये थिनर है ना उसे थोड़ा हमें कहीं पे भी ऐसे निकाल देना है, क्योंकि हमने टैंक तो यहाँ पर क्लीन किया, पर नोजल है ना जो ये वाली नोजल उसके अंदर तो ब्लैक कलर ऐसा ही होगा, क्योंकि थिनर जब तक हम टिगर दबाएंगे नहीं तब तक जाएगा नहीं, तो हमें वो अच्छे से क्लीन कर लेना है। जैसे कि आप इस तरह से आप निकाल सकते हो, तो आगे से देखो अब थिनर निकलना स्टार्ट हुआ है ना, एक बार आप ऐसे हल्के हाथों से भी कर सकते हो, जिससे
नोजल में ऊपर नीचे थिनर हो जाएगा और नोजल कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें एक बार थिनर को ऊपर की तरफ उड़ा देना है। अब हाथ बिगड़े वो टेंशन मत लेना, गन आप क्लीन करना, हाथ भी क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि गन होगी तो हाथ तो हो ही जाएगा, मतलब गन हो गई तो हाथ तो हो ही जाएंगे। फिर से एक बार थोड़ा सा लेना है थिनर हमें, और फिर से एक बार साफ़ कपड़ा लेना है। साफ़ कपड़े इसीलिए क्योंकि अब की बार हम कम्प्लीटली गन को अंदर से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद बाहर की बारी आएगी हमारी, बाहर भी हमें करना है। इस तरह से अब हम बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने आपको दिखाया, अब बड़ी जगहों पे करोगे ना तो वहाँ पर कलर उड़ के वापस गन पे भी आता है कई बार, इसीलिए कहते हैं ना कि मास्क पहनना पड़ता है, तो उसी के कारण मास्क पहनना होता है, तो इसलिए गन भी हमारी बिगड़ी होगी। तो इस तरह से हमें गन को भी क्लीन कर लेना है। देखो यहाँ पर हमने गन को भी क्लीन कर लिया, गन के साथ हमारा ढक्कन भी होगा, तो ढक्कन हमने यहाँ पर इतना ही बिगड़ा है, तो इसमें भी आप ऐसे थिनर डाल के रखो थोड़ी देर, अगर सूख गया है तो, नहीं सूखा है तो आप तुरंत उसे साफ़ कर सकते हो। साफ़ करने का सेम वही तरीका है, कपड़ा लेना है अंदर से अच्छे से सब क्लीन करना है और फिर इसे फेंक देना है। अब ढक्कन को नहीं फेंकना है, जो हमने कलर लिया ना वो फेंकना है, और फिर साफ़ कपड़े से फिर से इसे साफ़ कर लेना है, तो हमारा ढक्कन भी क्लीन हो गया है। तो इसी तरह से इसे बंद करो और अच्छे से मिक्स करके जो थिनर है ना उसे उड़ा दो, तो हमारा कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पूरी प्रोसेस कैसी लगी। मैंने आपको यहाँ पर अनबॉक्सिंग भी दिखा दी, इसको चलाना कैसे है वो भी समझा दिए, और लास्ट में इसे साफ़ कैसे करना है वो भी समझा दिया है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखना है।